हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है ये पनीर की भुर्जी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही इजी और क्विकली तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और बनाते हैं पनीर भुर्जी। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सामग्री ली है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पनीर लिया है, ये 200 ग्राम पनीर है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक टमाटर, उसको भी कद्दूकस कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको बारीक बारीक काट लिया है मैंने। नेक्स्ट ये मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है एक चम्मच गरम मसाला पाउडर। नेक्स्ट है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। नेक्स्ट यहाँ पे एक चम्मच धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, और यहाँ पे लिया है मैंने स्वाद के अनुसार नमक। तो ये सारी चीज़ें मैं आज यूज़ करने वाली हूँ पनीर की भुर्जी बनाने में। तो चलिए फिर भुर्जी बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल डालूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है तो हम इसके बाद जीरा ऐड करेंगे। तो ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच जो जीरा लिया था उसको ऐड कर देंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे हल्का हल्का। तो अब हम इसमें जीरा भून चुका है, तो अब हम इसमें जो प्याज काट के रखी हुई थी उसको भी ऐड कर देंगे। और अच्छे से इसको मिलाते हुए हम 1 से 2 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज का जो कच्चापन होता है वो निकल जाना चाहिए, तभी मसाले में अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, हल्का सा इसमें गुलाबी सा रंग आ चुका है। अब हम इसमें जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का कद्दूकस करके लिया था उसको ऐड कर देंगे। आप इसमें रेडीमेड भी अदरक लहसुन का पेस्ट यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको अगेन फिर से 2 मिनट के लिए अच्छे भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए प्याज और अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के साथ साथ मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी ताकि जो हमने टमाटर डाले हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें अपने ड्राई मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले हल्दी डाली है, लाल मिर्च पाउडर, नेक्स्ट मैं यहाँ पर धनिया पाउडर डालूँगी, नेक्स्ट यहाँ पर गरम मसाला डालूँगी और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया है और मसाले को भी हम अच्छे से भून लेंगे। जो ड्राई मसाले हमने डाले हैं वो भी अच्छे से हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें जो हमने पनीर कद्दूकस करके रखा था उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पनीर ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में। तो ये देखिए पनीर को अच्छे से मैंने मसाले में मिक्स कर दिया है, अच्छे से कलर आया है मसाले में, अच्छे से पनीर मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको भी 1 से 2 मिनट तक भाप में पका लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया पनीर की भुर्जी बनके एकदम तैयार है। और पनीर भुर्जी अब हम एक सर्विंग बाउल में इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए पनीर भुर्जी हमारी एकदम बनके तैयार है, गर्मा गर्म हम सर्व कर सकते हैं। और मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो आप गर्मा गर्म इस पनीर भुर्जी को ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, एक बार आप ज़रूर उनको ट्राई करके खिलाएँ।
सो गाइस, अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप एक लाइक ज़रूर करेंगे, और ये वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।